press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सरिस्काबाग परियोजना अलवर में बागेन एसटी 5 के गायब होने से वन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से बागेन के ना तो पग मार्क मिले हैं और ना ही रेडियो कॉलर से लोकेशन का पता चल पा रहा है। बागेन एसटी 5 के गायब होने से एक बार फिर शिकारियों के सक्रिय होने का अंदेशा है। करीब 15 साल पहले भी शिकारियों के शिकार के चलते सरिस्का बाग विहीन हो गया था। 16 दिन से गायब बागेन एसटी 5 का कोई सुराग नहीं लग पाया है। रेडियो कॉलर लगे होने के बावजूद जीपीएस पर कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहे। इस पर वन प्रशासन बागेन के किसी सुरंग या गहराई वाले नाले में होने की मान कर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारी बागेन की तलाश में जुटे हैं। बागेन के गायब होने से एक बार फिर शिकारियों के सक्रिय होने का डर भी पैदा हो गया है। 2004 में भी सरिस्का में बाघ बागिनों को शिकार के चलते बाघों का सफाया हो गया था। आखिर रणथंभौर से बाघों को यहां शिफ्ट करना पड़ा। आज सरिस्का में पर्यटकों की रौनक परवान पर है, लेकिन बागेन एसटी 5 के गायब होने से वन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस टाइम हम बीनक वन क्षेत्र में एसटी 5 मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। जो पग मार्क मिले या कुछ एविडेंस मिले तो सभी स्टाफ लगा हुआ है, कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं सभी स्टाफ। हाँ, टाइगर टेरिटरी बदल सकता है, जा भी सकता है ये कोई, लेकिन टेरिटरी फिक्स होती है। कोई टाइग्रेस एरिया चेंज कर सकता है, कोई भी टाइगर टाइग्रेस टाइगरों को दबाव हो सकता है या फिर कोई भी कारण। लगभग पूरा दिन ही लगी हुई है, टीम बनी हुई है। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं, 10-12 बजे तक, फिर 1-2 घंटे लंच करते हैं, फिर शाम तक करते हैं, रात को भी गश्त कर रहे हैं।